हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज फाइनली 2 दिन के बाद हल्की हल्की धूप निकली है और मेरा काम आगे बढ़ा है जो एकदम से रुक गया था। शिवरात्रि पे तो बारिश हुई ही है, हमेशा होती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद अगले दिन भी झमाझम बारिश रही। बादल पानी के मौसम में तो कोई भी काम हो नहीं पाता है वैसे भी, लेकिन आज हल्की हल्की धूप निकली तो फटाफट मैंने अचार बना लिया क्योंकि मिर्चियाँ सड़ने लग गई थी। एक दो मिर्ची तो खराब ही हो गई थी, तो जल्दी जल्दी बस मैंने उनको ही बना डाला। देखो कितने अच्छे बड़े बड़े फ्लावर्स हुए हैं ना। बहुत अच्छे बड़े बड़े गेंदे हो गए। गेंदे हो गए, अरे वाह गेंदा। लेकिन बेटा ये तो तुम्हारे जैसा हो गया, दुबला पतला सा। वन लेयर है और क्या? ये गबद्दू है। तो दोस्तों, बन गया है हमारा अचार और उसकी रेसिपी मैं इसी वीडियो के साथ डाल दूंगी क्योंकि अलग से फिर एक वीडियो बन जाएगी। वैसे कई लोग डिमांड करते हैं कि आप रेसिपी वगैरह अलग डाला कीजिए, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि ब्लॉग तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसमें रेसिपी नहीं शेयर करते हैं। और नॉर्मली वैसे घर में आजकल बनता है चटर, लेकिन एक ही एक रेसिपी को कितना रिपीट करूँगी, घर में तो चीज़ें रिपीट होकर बनती हैं ना। और बाकी हम लोगों का खाना जो है सिंपल ही रहता है, बस नाश्ता हम लोग कुछ ऐसा बना लेते हैं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो जाए, तो इसी तरह चलता है। और मुझे नहीं लगता कि सभी घरों में रोज़ कुछ ना कुछ इतना हैवी फूड बनता होगा, सभी लोग हल्का फुल्का खाना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, मेरा तो समय हो गया है रसोई में जाने का, सो मैं तो जा रही हूँ। अचार वगैरह मैंने अंदर कर दिया है छाए में ताकि अगर रात में बारिश हो तो कोई दिक्कत ना हो। और आज मैं सिंपल सी दाल और इडली बनाऊंगी और सभी लोगों का अच्छा सा नाश्ता भी हो जाएगा। जिसको डिनर के रूप में खाना होगा वो डिनर भी खा लेगा, तो बस वही रेसिपी बनाऊंगी और उसे शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसके साथ अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इडली की मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई खास नहीं है मेरा तरीका। और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। दोस्तों, ये लाल मिर्च मैंने 2 दिन धूप में रखे थे, उसके बाद तो बारिश शुरू हो गई। इसे हल्के हल्के हाथों से मसल लेती हूँ ताकि इसके अंदर के बीज जो है ना थोड़े अलग हो जाएंगे, हमें उनको बाहर निकाल के इसे खाली करना है। उसी कवर में हम जो है स्टफिंग भरेंगे, मसाला भरेंगे। तो हल्का हल्का हाथ से मैंने इसे कर लिया, लेकिन अभी भी ये गीले हैं, इनके अंदर पानी है, तो इस तरह से चाकू डाल के मैं अच्छी तरह से इसे पूरे कॉर्नर इसके खाली कर दे रही हूँ और इसी प्लेट में इसे उलट दूंगी ताकि ये बीज जो है मसाले में हम ऐड कर पाएं। बहुत कम चीज़ें निकल रही हैं, वैसे भी मिर्च बहुत थोड़े से हैं, तो बस सावधानी पूर्वक हमें करना है ताकि मिर्चे में छेद ना हो पाए और सभी मिर्च को हम इसी तरह खाली कर लेंगे। ये मैंने मसाला भूनकर तैयार कर लिया था उसी दिन। इसमें है सौंफ, जीरा, मंगरेल, करेल जिसको बोलते हैं, मेथी और राई दाना। ये सभी चीज़ें पांचों मैंने अच्छी तरह से भून ली थी और इसे मिक्सर जार में मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे अमचूर पाउडर और नमक दोस्तों, क्योंकि ये मिर्च में कोई भी खटास नहीं होती, इसलिए हमें इसमें अमचूर पाउडर ऐड करना होगा और नमक ऐड करना होगा। तो अमचूर की सारी गुठलियाँ मैं अच्छी तरह से फोड़ लूँगी, नहीं तो कहीं रह जाएगी तो फिर मसाला का रेशियो बिगड़ जाएगा। और फिर मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। जितना मसाला है उसका 1/4 हम नमक ऐड करेंगे दोस्तों, और आप लोग मसाला ज़रूर से चख लीजिएगा, कभी कभी तेज भी हो जाता है। मेरे घर में सभी लोग इसका मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने मिर्च से ज़्यादा मसाला तैयार किया है। मिर्च में जितना भरना है उसके अतिरिक्त मैं अलग से भी तेल में मसाला ऐड कर दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और सभी लोग इसे मन भर के खा सकें। और हल्के हल्के हाथों से पहले मसाले को इसमें डालना है, इस तरह से दबाते हुए, क्योंकि मिर्च काफ़ी बड़ी बड़ी है, उतनी हमारी फिंगर नहीं जा सकती है, और अगर किसी चीज़ से हम डालेंगे तो मिर्च फट सकती है। बस इतना मैं ऊपर कवर जो है खाली रखूंगी ताकि तेल भी इसमें चला जाए। कई लोग क्या करते हैं, मसाले में हल्का सा सरसों का तेल ऐड कर लेते हैं जिससे मसाला चिपक जाता है और अच्छी तरह से भर जाता है, लेकिन मेरा सूखा ही मसाला अच्छी तरह से अंदर चला जा रहा है तो मुझे तेल डालने की जरूरत नहीं लग रही है। सभी मिर्च मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं और इस तरह से इसे अरेंज कर दिया है।
अब बाकी का थोड़ा सा मसाला मैं अभी ऊपर से डाल दे रही हूँ, फिर बाकी ऑयल डालने के बाद मैं ऐड करूंगी। एक साथ सारा मसाला नहीं डालूंगी, नहीं वो नीचे जाकर जम जाएगा और हिलाते नहीं बनेगा। अब मैं कच्चा सरसों का तेल डाल रही हूँ। वैसे यहाँ हमारे यहाँ कई लोग इसे गर्म करके ठंडा करते हैं फिर डालते हैं, लेकिन मैं कच्चा ही डाल रही हूँ, धूप में रखूंगी तो उसमें पक जाएगा। और करीब करीब आधा लीटर तेल जो है इसमें आ गया है, तो अभी तो मैं इतना ही भर कर रख दे रही हूँ। फिर एक दो दिन में चेक करूंगी, अगर कम ज़्यादा कुछ लगेगा तो उसे उस हिसाब से ऐड कर लूंगी। थोड़ा सा मसाला ऊपर डाल दे रही हूँ और इसे ढककर अच्छी तरह से कपड़े से बांध दूंगी। डबल लेयर में कपड़े की लगा रही हूँ ताकि इसमें एयर बिल्कुल भी ना जा सके। प्रतिदिन इसे मुझे खोलकर चेक भी करना होगा, और बचा हुआ मसाला जब ये नीचे बैठ जाएगा तो मैं पूरा मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा और इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।